शाहजमान ये बताएं पापा को, आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है जो कि आप खुद अकेले में गुनगुनाते हैं? मुझे पता है बहुत सारे गाने, मगर एक टॉप थ्री होते हैं ना? मुश्किल सवाल बहुत है, मगर कोई टॉप थ्री ज्यादा ज़हन में आ गए जो होते ज्यादा आपके ज़हन में रहते हैं इंसान की, मेलोडी फंस जाती है कभी कभी कि यार ये धुन बस फंसी हुई है ये किसी रोज मिलो, धुन वाइज मुझे ना थोड़ा पसंद है किसी रोज मिलो, किसी रोज मिलो। देखे लड़के को वो वाला गाना पसंद है, सुन तो लो मेरी जान, हम इस वाली एज में थे तब का गाना, ये तब का गाना है। मुझे याद है ये जब गाना पहली बार फिल्म में भी आया था तो बड़ा वो, आप किधर यादों में चले गए ठाकुर? अक्सर किसी सिंगर से कहे ना गाना सुनाए थे, वो कहते पायन आज मेरा गला खराब है कल से, वो ना सर जी एक सजाए मौत हो गई ते ओनू लैन आ गए, उन्हें कहा चलो जी खान साहब उठो सजाए मौत, कहते आज मेरा गला खराब है यार। राहत साहब आपके साथ अक्सर होता होगा खासतौर पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और लोग आपको मिलते हैं कि लोग आपको गाना सुनाते हैं, आपको ही गाना? नहीं बिल्कुल सुनाते हैं। एक दफा एक अब नाम नहीं लेते, उन्होंने ना मुझे कहा कि गाना आपका बड़ा पसंद है जी, आपने मेरा गाना सुनना है, और मेरा बेटा भी गाता है। अच्छा। उसने पहले तो अपने बेटे का गाना सुनाया, बहुत अच्छा था, मतलब ठीक था। ठीक है। उसके बाद कहता जी हाँ सब मम्मी गाना। मैं कहा अच्छा जी बिस्मिल्लाह सुनाओ जी। उसने सुनाया, मैंने कहा चौर साहब बेटा अच्छा है भाई। मगर ये एग्जैक्टली बड़ा ये आम तौर पे आपके लोग आपको आपका वो गाना ही रेप्लिकेट करते हैं, कई बार शोरा के साथ होता है। वैसे ये मैं हमेशा सिंगर से अक्सर पूछता हूँ कि ये एक बड़ा मुश्किल होता है कॉल के आपके पास लोग आते हैं और हर किसी को गाने का शौक है, वो चाहे अच्छी आवाज बुरी आवाज, बाथरूम में गाना है, गाना नहाना किसको नहीं आता। बिल्कुल। तो सर ये अब वो आपको जो कहते ना कि सर जरा मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ और वो, और आपको जब नजर आ रहा हो कि यार ये मुश्किल हो जाएगा, तो ये बताना भी एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैं बताता हूँ एक आपको बड़ा ही प्यारा वाक्य है। हम फैसलाबाद में रहते तुम दिनों में, तो मुझे अक्सर जो है वो नज़ले की शिकायत हो जाया करती, तो डॉक्टर थे उन्होंने अपना एक कंपाउंडर भेजना शुरू कर दिया, जब मेरा गला खराब था तो वो एक ड्रिप और वो आते थे। अब वो जब आए ना वो भी थे डॉक्टर ही, तो जब मेरे पास हमेशा कीबोर्ड मेरा पड़ा होता था, तो उनको शौक हुआ, उन्होंने कहा कि खान साहब मैंने गाना सीखना है। मैं कहा डॉक्टर साहब को खुदा दा खौफ करो, तुसी केड़े काम च पाने को तुहाडे छोटे छोटे बच्चे है। नहीं नहीं खान साहब मैं गाना सीखना। मैं कहा अच्छा तू सीरियस हो? मैं कहा नहीं इहदे च ना पैसे नहीं मिलते, पता तुसी अच्छे भले कमाई कर रहे हो, इहदे च कोई पैसा नहीं। नहीं 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 मैनूं पैसे की जरूरत नहीं, मैं गाना सीखना। मैं कहा यार ये तो सीरियस ही हो गया। ओके। मैं कहा आप ऐसा करें कल आपने मिठाई लेके आ जाना। ठीक है जी। कहना फिर गाना आ जाएगा? मैं कहा आएगा, तुसी मिठाई लिया। मिठाई लैके आ गया। अब शागिर्दी हो गई। अब कहते हाँ जी मैंने दसो। मैं क्या डॉक्टर साहब आखिरी जी ख्वाहिश ताड़ी मैं पूछ रहा कि तुम वाकई सीखना वा सर? मैं सीखना वा। मैं क्या चलो ठीक है, चलो मैं क्या सीरियस हूँ तुम हसना नहीं, बिल्कुल सीरियस। मैं क्या कहो सा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरा सवाल ये है कि आपने अब तक बेशुमार गाने गाए, उनमें से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है और क्या आप वो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? एक तो वैसे होना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये एक फेवरेट होना एक फेवरेट नहीं होता है तो सारे माशाल्लाह सभी नहीं। पाकिस्तान में जितने लोगों ने काम मेरे साथ किया है बहुत ही कमाल की कंपोजिशंस मुझे मिली हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें नवीद नशाद साहब का मैं नाम लूंगा खास तौर पे, इज द वन ऑफ द बेस्ट 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 कंपोजर, आई लाइक हिम सो मच। क्या बात, नवीद नशाद साहब का। और आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में जो नवीद नौशाद साहब का इनके साथ जो एक बहुत मकबूल गाना है वो कौन सा था? मेरे पास तुम हो। ओह माय जी, वो नवीद नौशाद साहब ने किया था। तो ये भी एक चीज है कि गाने के साथ ना वो कंपोजर का नाम भी याद रखा गया है लिरिसिस्ट का, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा एफर्ट होता है। शाहजमान है ये तो, जी जी सबकी जान है, हमारा भतीजा भी है ये। तो आपका पापा के अलावा कौन सा फेवरेट सिंगर है? ओए ओए बहुत जो जड़ा अबू दा गाना बंद करके थे वो सुन दे जो। ये कोई पहले मुझे पूछे। अच्छा जी, मेरा फेवरेट पाकिस्तान में सिंगर कौन है? आपका फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का?
एक ही नाम जिसने इतने सुपरहिट गाने दिए हैं, कोई भी फ्लॉप गाना नहीं दिया, मिस्टर वारिस बेग। और आप मेरे लिए तो उस्ताद मुसफ्फत अली खान साहब। ये तो हो गया ना कार दा सरन। ऐसा तो नहीं है कि मैं इनके गाने बंद करके वो गाने सुन उनके। नहीं नहीं, वो तो इन्होंने एग्जैजरेट किया। आशा जी, लता जी, मैडम नूरजहां, किशोर कुमार साहब, इनके इस जॉनरा के मुंडा आगे निकल गया जी। नहीं मगर मुंडे को वापस लेकर आते हैं, हमें बताएं जो अभी आजकल है, कोई तो होंगे यार। ऑनेस्टली मैं आजकल के गाने नहीं सुनता है, नाम मुझे पता है लेकिन मैं ऐसे लूंगा तो अजीब है, लेकिन I don't listen to my dad, my family music. मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुदरती, बस क्लासिकल सिंगिंग और ओल्ड स्कूल में आप ज्यादा हैं। थोड़ा ओल्ड स्कूल में या ओल्ड स्कूल में आप। मैं एक चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छे जो शादमान सिंगर पाकिस्तान में भी हैं, जो शायद आप नहीं सुन रहे हो, बट आई विल से कि इसमें नबील शौकत है, नबील शौकत बहुत अच्छा आवाज, और आसिम अजहर का बहुत अच्छा आवाज़, बहुत अच्छा गायक है, एंड अमार बेग वो वेस्टर्न गायकी भी इतनी खूबसूरत गाता है और गज़ल गायकी भी इतनी खूबसूरत गाता है, और इट्स अ पैकेज एक्चुअली, अमार बेग इज द बेस्ट। साहब ये हमारे पास अक्सर गेस्ट ऑडियंस आती हैं और उसमें कुछ लोग गाने का कहते हैं कि जब ने गाना गाना है तो आई थिंक 70% एवरेज इसी गाने की निकलती है। अच्छा जी, शुक्रिया जी। और ये जैसे ही गाना गाया है वो भी कमाल, इसकी मेलोडी नवीद ने बड़ी जबरदस्त, और फिर जिसकी पोएट्री खलील साहब ने लिखी, और ऊपर से जो क्या बात है, आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खलील रहमान कमर। खलील रहमान कमर साहब ने जिस दिल से लिखी और उसके बाद जिस तरह ये फिल्माया गया और जिस तरह इस पे वो फिर आपको गाना सुनते ही मायूसी का मुंह याद आता है, वो दारो कतार रो रहे होते हैं और वो औरत उनको छोड़े आपको तकलीफ महसूस हो रही होती है उनकी। आपने वैसे ड्रामा देखा हुआ पूरा? नहीं मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा मगर कभी ये तो देखिए, आपने जिसमें इतनी आवाज का जादू जगाया है उसके पीछे हो क्या रहा था एक्चुअली ड्रामे में, वो इतना बड़ा हिट। मैंने इसके 6 अंतरे गाए हैं, मुझे ही तो ये गाना याद होगा। वही मतलब एक वो सीन उन्होंने उसके अंतरे लिखे ना थे, ये मेरे दोस्त की अजीब और गरीब प्यारी आदत है कि वो जो है उनसे स्टोरी लिखवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो 3 अंतरे जो है वो बाद में आए। हाँ। जब वो डेथ वाला सीन है बहुत बाद में आए, तो अब वो गाना तो माशाल्लाह वो चल रहा था बहुत ज्यादा पाको हिंद में चल रहा था। बिल्कुल। नवीद भाई दोबारा से आए, खान साहब वो बड़ा जरूरी है वो अंतरे करने हैं। मैं कह गाना नहीं करना, मैं गाना तो हो गया वो अंतरे करने हैं। मैं कह कौन से? मेरे पास तो मौके। मैं कह ओ भाई यार वो तो हो गया यार। नहीं 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 वो मौतला नहीं होया हमसे। ओ मरदा पिया है। खवातीन हजरात, खबरों का वक्फा लेना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू गपशप, और वहीं से शुरू करते हैं सिलसिला जहां पे हमने खबरों से पहले छोड़ा था। सर अजय खान साहब, तुसी जिन्ना माशाल्लाह सफर कीता है, कोई जहाज कोई ऐसा वाकया कि बड़ा मजाहिया या कोई इस तरह का? बिल्कुल, आपने याद करा दिया, मेरा दोस्त है सीनियर पायलट्स में से, जब भी देखते ना मुझे यार पता लगा यार रात पीछे बैठा है उन ब्ला उनके अंदर आए थे कॉकपिट चा। अब वो फैन है मोहम्मद रफी साहब का, भाईजान उसने तुम जो मिल गए हो शुरू किया, इतना खो गया कि रनवे आ गया। ओ माय गॉड, यहाँ मिल गया। मैं कह कैप्टन साहब बंद करो गाना यार, मैं उन्हें रनवे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अब्दुल्ला, मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपका जो तलक है वो फैसलाबाद लायलपुर से है, तो लायलपुर जो है वो जुगतों की वजह से बहुत मशहूर है, तो क्या आपको जुगते आती हैं? मैं सही तो जा रहा है, मेरी जान तो पता नहीं लग रहा। साहब आपका ताल्लुक किधर से है? मेरा ताल्लुक सर शेखुपुरा से है। शेखुपुरा से, और ये आपने जो मूछें रखी हुई हैं बड़ी जबरदस्त हैं। थैंक यू सर। ये कितने अरसे सर इस पे काम हो रहा है? सर इस पे तकरीबन 10 साल लग गए। 10 साल? और ये इसकी तरमीन और आरइश में काफी लगता होगा टाइम शाइम तो? जी सर बिल्कुल। और कितना टाइम लेती है ये घर निकलने से पहले? वाजी वाजी साहब ये होती है जुगते। और मैं फैसलाबाद से नहीं हूँ। तो सर हम आपसे जुगते भी सुनना चाहेंगे। मेरी तरफ से कैसर भाई आपको जो पैदा हुए ना तो इन्होंने वाल साहब ने पस्तौर रख लिया। क्यों? कहते जो मेरे लिए हो सकता तो मेरे कुछ भी हो सकता।